नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एग्जैक्ट एज 22 वर्ष है। सवाल इनके ये थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, जी में क्या समस्या किस प्रकार रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का इनसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ का ध्यान से देखा जाए तो आपने पूछा कि बिजनेस कौन सा किस प्रकार रहेगा, स्टॉक मार्केट में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करना चाहिए जीवन में। सब कुछ जो मुझे दिखेगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देख पाऊँ तो जो आपकी भाग्य रेखा है यहाँ से निकली है, चंद्र के क्षेत्र से इस प्रकार गई है, वी का साइन बन चुका है। यहाँ पर भी अच्छे खासे वी के साइन बन रहे हैं। तो देखिए, आपका भाग्य उदय जो होगा वो जन्म स्थान से दूर होने वाला रहेगा। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनका भाग्य उदय जन्म स्थान से काफ़ी दूर देखा गया है, या तो अपने शहर से कहीं दूर, या फिर दूसरे स्टेट में, या फिर कहीं विदेश तक में भी ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय होता हुआ देखा गया है। तो इस तरह के योग आपके हाथ में बन रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, आपका जो अच्छा समय आएगा वो तो सोशल मीडिया के द्वारा भी आएगा। ऐसे व्यक्ति सोशल मीडिया पर बड़ा लाभ कमाते हैं, बड़ा नाम बनाते हैं। तो सोशल मीडिया या फिर सॉफ्टवेयर वाले कार्य, टेक्नोलॉजी के कार्य, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, इन सारे कार्य, इन सारी क्षेत्रों में बड़ा लाभ आपको मिलने वाला रहेगा। तो इस तरह के कार्य कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर बिजनेस बनाना चाहते हैं तो ऑनलाइन लेकर जाइए कोई बिजनेस, उसमें आपको सही ग्रोथ मिलने वाली रहेगी। इसके अलावा देखिए, जो भी कार्य आप जन्म स्थान से दूर होकर शुरू करेंगे या फिर घर पर बैठकर कुछ ऐसा कार्य करेंगे कि जिससे दूर का पैसा चलकर आपके पास आए, देखिए इतना तो आप समझ लीजिए कि आपका जो बड़ा पैसा है वो दूर से बनेगा। तो या तो आप खुद उसे कमाने दूर जाएंगे या फिर दूर का पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। इसके साथ साथ बिजनेस बनाना चाहते हैं तो ऑनलाइन ले जाइए किसी भी तरह के बिजनेस, चाहे कपड़े का बिजनेस हो, सर्विसेज हो, कोई प्रोडक्ट की सर्विस हो, कुछ भी हो, बट वो ऑनलाइन जाना चाहिए। आपका बिजनेस ऑनलाइन जाएगा, ग्रोथ मिलेगी। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक कैसे भी जाइए, बट ऑनलाइन लेकर जाइए। स्टॉक मार्केट से लाभ ये भी देख लेता हूँ मैं। जी हाँ, आपके साथ भी स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा लाभ है, बट ओनली फॉर इन्वेस्टिंग। जैसा कि मैं हर वीडियो में सबको बताता हूँ, ये ट्रेडिंग में तो मतलब काफ़ी खुशनसीब लोगों को ही लाभ होता है, उनकी हाथ की रेखा काफ़ी मजबूत होती है, बट आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के पर्पज से लाभ है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहें, बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहें, तब आप स्टॉक मार्केट की तरफ रुख करें, उससे पहले मत करिएगा, तभी आपको अपने जीवन में बड़ा लाभ जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा अगर आपके हाथ में देखा जाए तो एक समय पर हाथ में तीन तीन मंगल रेखा है। तो देखिए, एक समय पर आकर लगभग मान सकते हैं बुढ़ापे में या फिर 50 वर्ष के बाद ही आपको प्रॉपर्टी से बहुत बड़े लाभ होंगे। तो बुढ़ापे के अंदर या फिर 50 वर्ष के आसपास प्रॉपर्टी डीलिंग करने का कोई भी मौका मिले तो छोड़िएगा नहीं, चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन का कोई भी कार्य हो गया। तो इस तरह के कार्य अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको बड़ा लाभ इन सारे कार्यों में देखने को मिलने वाला रहेगा। यदि आपके शुक्र पर देखा जाए तो देख पा रहे हैं जाले बहुत सारे बन रहे हैं, यहाँ पर भी जाले हैं, यहाँ पर भी जाले हैं, यहाँ पर भी जाले हैं। जब शुक्र के हिस्से पर जाले होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी झेलते हैं, परिवार में दिक्कतें परेशानी आती हैं, मित्रों से और रिश्तेदारों से संबंध भी बिगड़ते हैं। तो इस तरह के योग आपके हाथ में आपके शुक्र पत्र तो मुझे साफ साफ दिख रहे हैं। बाकी ध्यान रखिएगा, इसके उपाय देने पर बहुत लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को कोई भी काम एक बार में भी बनता है, और किसी भी छोटे छोटे कार्य करने के लिए व्यक्ति को संघर्ष, परेशानी, दिक्कतों का सामना या फिर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपके हाथ में दिख रही है। अंगूठे पर देख पा रहे हैं कि 2 से 3 से 4 फैलेंज बन रहे हैं, ये आपको नेगेटिव थिंकिंग देने वाले रहेंगे, बट ओवरऑल अंगूठा मजबूत है तो सशक्त नेचर रहेगा, हर परेशानी से लड़कर उसको सॉल्व करना आपके एक नेचर में रहेगा। यहाँ पर यफ का साइन बहुत मजबूत बन गया है। देखिए, इतना मजबूत है जब उसका साइन होता है तो उसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जो होने वाली घटनाएं होती हैं उनका अंदाजा पहले से ही हो जाता है। सपनों के द्वारा, इंटरनल फीलिंग के द्वारा एक गट फीलिंग जरूर होती है। आपके पितृ और पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपको मिला हुआ है। तो इस तरह के योग भी आपके हाथ की रेखाओं में मुझे दिख रहे हैं। बाकी अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके हाथ का मणिबंध है। मणिबंध पर 2-2.5 रेखा बन रही हैं। जब मणिबंध पर 2 से 2.5 रेखा बनती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप जितना सुबह सुबह उठकर यानी ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, आपको बड़ा लाभ अपने जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा अगर आपके हाथ में यहाँ देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं क्रॉस बन रहा है। जब ये क्रॉस बनता है, ये अभी क्रॉस बुरा नहीं बना है, ये अंडर डेवलप है। अगर क्रॉस बन जाएगा तो फिर मान सकते हैं कि जीवन साथी के साथ, जीवन साथी के भाग्य से मिलकर, जीवन साथी के साथ मिलकर बड़ा आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। शनि पर वी साइन जैसे मैंने बताया बुढ़ापे के लिए बहुत शुभ साइन है ये। सूर्य पर आएंगे तो सूर्य, ओ माय गॉड, सूर्य पर भी ये वी साइन है, शनि पर भी वी साइन है। दो दो साइन हाथ में एक साथ ही देखने को मिले।
देखिए बहुत मजबूत है आपके सूर्यदेव शनिदेव दोनों पर, एक तरह का सहयोग यानी बहुत बड़ा राजयोग माना गया है। सूर्यदेव के उपाय करेंगे, शनिदेव के उपाय करेंगे, बहुत लाभ मिलेगा। आप देखिए वो किस प्रकार करेंगे, क्यों करेंगे। देखिए उपाय कर जाते हैं नेगेटिव चीज़ें, लेकिन मैं आपके हाथ में पॉजिटिव चीज़ें इसको उपाय कर दे रहा हूँ। देखिए अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो उसके उपाय तो देखिए सबको करने ही पड़ते हैं, बट यह कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो उसको और अच्छा बनाइए, उसके और अच्छे शुभ प्रभाव पाइए। तो इसके रिगार्डिंग आपको मैं दोनों चीज़ों के उपाय दे पाऊंगा। दोनों पर बहुत ही शानदार वी साइन बन रहे हैं, बहुत ही अच्छा साइन दोनों पर्वतों पर देखा गया है। आपके भाग्योदय कारक शनिदेव और सूर्यदेव ही बनने वाले रहेंगे। अगर आपके हाथ में आपका बुध पर्वत देखा जाए तो बुध पर्वत भी अच्छा है, एक नॉर्मल सी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है तो वाणी पर कंट्रोल ये रेखा देने वाली होती है। भारी मंगल पर आएंगे, भारी मंगल मजबूत है, हल्का सा तेल है, लड़ाई झगड़े के संकेत ये दे रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी पड़ सकते हैं, इसी का ध्यान रखिएगा। इस बात को आप एक एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं, एडवाइस के तौर पर लेंगे, अगर ध्यान रखेंगे तो समस्या नहीं आएगी। चंद्र पर हल्का सा गड्ढा बन गया, देखिए मन में अशांति बेचैनी रहेगी, जीवन में किसी समस्या आ जाए बट कुछ भी परेशानी आ जाए, लेकिन व्यक्ति का मन बड़ा अशांत रहेगा। खुशहाली होने पर व्यक्ति खुश नहीं हो पाएगा और अशांति के कारण व्यक्ति अपने जीवन में बड़े मान सकते हैं दिक्कत परेशानी में रहने वाला रहेगा। तो इस तरह के योग भी आपके हाथ की रेखाओं में मुझे दिख रहे हैं। स्त्री जाति का संबंध भी खराब हो जाते हैं कभी कभी, मन में चिंताएं लगना, मन शांत ना रहना, इस तरह की समस्या का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। चंद्र के आपको उपाय करना बहुत जरूरी रहेगा। पिंकी फिंगर, आपकी सूर्य की उंगली के पहले पूर्व तक नहीं पहुंची है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले व्यक्ति अपनी बात को मन में दबा लेते हैं, हड़बड़ाहट होती है, बेचैनी भी पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति जितना ज़्यादा इन्वेस्टिंग करते हैं उतना लाभ मिलता है, क्योंकि देखिए आप वो व्यक्ति हैं जो पैसा बचाते तो हैं बट उसको बढ़ा नहीं पाते, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टिंग करनी रहेगी। वो आपकी मर्जी रहेगी, आप कहीं भी करिए, चाहे स्टॉक मार्केट में, गोल्ड बॉन्ड, प्रॉपर्टी, जमीन जाए, जहाँ भी आपका मन करे वहाँ कीजिए, बट इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा होनी चाहिए। जब जब जैसे जैसे आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट होगी, आपको उस इन्वेस्टमेंट से बड़ा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर उंगलियों की जो राशि है मैं एक बार देख लेता हूँ। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि आपके हाथ में अच्छी अवस्था में। जब भी आपके ग्रहण राशि के अंदर गुस्सा करेंगे आपको इन सारी राशियों का अच्छा लाभ मिलने वाला रहेगा। तो इस तरह के भी अच्छे लाभ के हाथ में रेखाओं द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ पर आपके हाथ में ये हल्के से खुले हुए हैं तो कहीं ना कहीं खर्चे ज़्यादा करवाते हैं, पैसा बचाने में दिक्कत आती है। और अगर आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखी जाए तो हृदय रेखा इस प्रकार ये शुक्र वाले बना रही है बट पूरा नहीं बना, क्योंकि हृदय रेखा का यहाँ से इसे मिल रही है। देखिए हृदय रेखा दो पीस में है, जब हृदय रेखा एक से कटकर दो हिस्सों में हो जाए तो इसका मतलब ये पाया जाता है कि व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापे में हृदय परिवर्तन होगा, जीवन को सोचने, सीखने, समझने का तरीका है वो बदलेगा, उसमें बदलाव आएंगे। तो ये योग आपके हाथ में मुझे आपकी रेखाओं द्वारा साफ साफ दिख रहे हैं। यदि आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा दिख जाए तो मस्तिष्क बिल्कुल सीधी है, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहता है व्यक्ति का, व्यक्ति बातों को मुंह पर बोलना पसंद करता है। आपको लर्निंग अच्छी मिली है, लर्निंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं। इसके अलावा एजुकेशन आपको बहुत अच्छा मिला हुआ है। ऐसे कि अच्छे मीडिएटर होते हैं, अच्छे एडवाइजर होते हैं, अच्छे गाइडर होते हैं, कभी किसी को अपनी गलत राह पर नहीं भटकाते, अच्छे लोगों को एडवाइस देते हैं और हमेशा सही राह पर व्यक्ति को, लोगों को चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ये योग आपकी मस्तिष्क का दिखा रही है। बाकी मान सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति एग्रेसिव सिचुएशन में भी कूल और कामली रिस्पॉन्ड करता है और हर छोटी से छोटी चीज़ को सीख कर समझ कर चलता है। मान सकते हैं कि व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग पर रिस्पॉन्ड कम करना पसंद करता है। इस तरह के योग मुझे आपकी मस्तिष्क का दिखा रही है। मस्तिष्क में कोई दिक्कत परेशानी मिल रहा है मुझे तो आपके हाथ में नहीं दिख रही है। यहाँ पर एक हल्का सा गैप आ गया है बट ये जुड़ गई है। देखिए यहाँ पर ये रेखा इस प्रकार से अगर जुड़ रही है तो मान सकते हैं कि व्यक्ति जिद्दी का नेचर का रहेगा बट अपनी फैमिली के आगे अपना जितना नहीं दिखाएगा, फैमिली के आगे व्यक्ति का जिद पना नहीं चलता है, ये रहेगी। देखिए आपके हाथ में ग्रोथ के मौके बारंबार मिलेंगे तो हर 5 से 10 सालों के अंदर आपको ग्रोथ मिलेगी, अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी और जीवन रेखा बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है। तो परमात्मा द्वारा संपूर्ण जीवन मिला हुआ है, उस जीवन का आनंद उठाइए, जीवन को सार्थक बनाइए, सच्चे कार्य कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, जरूरतमंदों के काम आइए, अन्नदान वस्त्रदान जिस प्रकार जैसे भी करते हैं बड़ा लाभ मिलने वाला रहेगा ऐसे कार्य करकर। बाकी अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जीवन रेखा दो भागों में टूट गई है। जब जीवन रेखा दो भागों में टूटती है तो इसका मतलब ये आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत अच्छा जाता है, बुढ़ापे के अंदर भाग्योदय होता है, व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी आती हैं, व्यक्ति तीर्थ यात्रा के दर्शन करता है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता है, सारी ट्रैवलिंग सक्सेसफुल होती है और संतान द्वारा सेवा का भी ये रेखा सूचक होती है। तो इतने सारे शुभ लाभ एवं एक दो बुरे लाभ ये रेखा देने वाली होती है। यहाँ पर अगर आएंगे तो ये रेखा सीधी है, ये पास्ट लाइफ से आपके कर्मों को जोड़ रही है। देखिए हाथ का यह हिस्सा पिछले जन्म का होता है
और पिछले जन्म की लकीरों से ही यहाँ से रेखा निकल कर आ रही है, इस प्रकार से फिर रेखा टूटी, फिर यहाँ से इससे जुड़ गया और ये अंत तक चली गई है। देखिए यहाँ से जब जीवन रेखा आ जाए, यहाँ से ये इससे जो पीछे का हाथ वो माना जाता है पिछले जन्म की लकीरों का माना जाता है, यहाँ से जब रेखा आती है तो व्यक्ति का कनेक्शन 100% पास्ट लाइफ से है। आपके जीवन में पिछले जन्म में कुछ कार्य अधूरे रह गए थे जिसको पूरा करने के लिए परमात्मा ने आपको धरा पर भेजा हुआ है। इसके अलावा आपका जो भाग्य उदय, जो पैसा अच्छा कमाएंगे, जो जीवन में अच्छा मनी आएगा, वो पिछले जन्म के पुण्य कार्यों से एवं पापों से प्रभावित होगा। जिस प्रकार के आपके कर्म रहे हैं पिछले जन्म में, उनसे प्रभावित होकर पैसा मिलेगा। उनसे पता चलेगा कि आपकी जन्म जीवन में समस्या थी या नहीं थी, समस्या आएगी नहीं आएगी, ऐसा पता चल जाएगा। बाकी मैं देख पा रहा हूँ कि भाग्य का मजबूत है तो पैसा अच्छा आएगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले जन्म के किए गए पुण्य कार्यों का लाभ मिलेगा आपको। यहाँ पर ट्रायंगल बनना है तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि व्यक्ति को कविता लेखन संबंधी कार्यों में रुचि होती है। अगर नहीं रुचि होती तो व्यक्ति विदेश में ट्रैवल करता है, सेटलमेंट भी हो जाता है। ये योग आप कहते हैं अभी बन रहे हैं, प्रॉपर नहीं है, बट हाँ ये रेखा अगर बन गई, ट्रायंगल बन गया तो फॉरेन सेटलमेंट 100% होगा आपका। यहाँ पर ये रेखा आपको इन्वेस्टमेंट से फायदा देगी और रेंटल इनकम भी जिम आने वाली देगी इन्वेस्टमेंट के द्वारा। यहाँ पर दो रेखा सीधी खड़ी है तो देखिए बुढ़ापे के अंदर बहुत अच्छा फाइनेंशियल लाभ एवं फाइनेंशियल सपोर्ट ये रेखा देने वाली होती है। तो मैंने आपके प्राम कंशिस पूरा कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सहयोग मिल जाएंगे। इसके बाद भी कोई डाउट कोई रह जाए तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस से सेटिस्फाई है नहीं है सब बता दीजिएगा। एक आज जो क्वेश्चन रह गया, जो भी क्वेश्चन बच गए हैं, सारे जितने बच गए हैं आपके, वो सारे आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर समझा देंगे। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम नहीं बता पाए तो हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा उपाय के लिए जरूर लिख दीजिएगा कि हम आपको उपाय देंगे। किसके उपाय देंगे हम आपको? उपाय तो किसी चीज़ के नहीं देंगे क्योंकि आपके उपाय हाथ में चीज़ें सही है, बस इसके देने देंगे। शनिदेव और सुखदेव के व्हाट्सएप पर उपाय लिख दीजिए कि आप मुझे इनके उपाय दे दीजिए। अगर आप इनके उपाय डेली करते हैं तो ये और मजबूत हो जाएंगे वी साइन, और बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ी तरक्की आपको देने वाले रहेंगे। इसके अलावा मैरिज लाइफ का सवाल था, देखिए मैरिज लाइफ का कोई भी कीजिए, अरेंज कीजिए, लग कीजिए, बट मेरे हिसाब से रेखा में जो दिख रही है वो अरेंज मैरिज दिख रही है। अरेंज मैरिज सूटेबल है, अरेंज मैरिज सक्सेसफुल भी होगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।